कि कई सीमावर्ती इलाकों से चीन के जवान और वाहन 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटे। भारतीय सेना भी पीछे हटी। आगे की कार्रवाई के लिए कमांडर स्तर पर आज होगी बातचीत। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार के लॉकडाउन की रणनीति पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश में वर्चुअल जनसंवाद रैली को किया संबोधित। दोपहर बाद नितिन गडकरी मध्य प्रदेश में वर्चुअल जनसंवाद रैली को करेंगे संबोधित। कोविड 19 से बचाव के लिए मंत्री समूह की समीक्षा बैठक। केंद्र, राज्य और नगर पालिका के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 50 नगर निकायों में दौरा करेगी केंद्रीय टीम। भारत में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या में पहली बार हुई सक्रिय मामलों से वो ज्यादा, 1,35,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, 7,745 लोगों की कोरोना से मौत। फिलहाल देश में है 1,33,632 सक्रिय मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह, देशों से की संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रयास जारी रखने की अपील। दुनिया भर में 72,27,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित, मरने वालों की संख्या 4,10,000 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से चला आ रहा विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान इलाका, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना और वाहनों को 2.5 किलोमीटर पीछे लेकर वो चले गए। भारत ने भी अपने कुछ सैनिकों की वापसी की है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने ये जानकारी दी। आगे की कार्रवाई के लिए कमांडर स्तर पर बातचीत होगी। खबर असम से, जहां के तिनसुकिया जिले में पिछले 15 दिन से गैस के अनियंत्रित रिसाव के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑयल इंडिया के बागजान कुएं में लगी भीषण आग में 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। आग लगने के बाद 2 दमकल कर्मी मंगलवार को लापता हो गए थे। NDRF के एक दल ने बुधवार सुबह उनके शव बरामद किए। दोनों की पहचान दुर्लोव गोगोई और टिकेश्वर गोहेन के रूप में की गई और दोनों कंपनी के अग्निशमन विभाग में सहायक ऑपरेटर हैं। इस आग को बुझाने के प्रयास में ONGC का एक दमकल कर्मी मामूली रूप से झुलस गया था। इस बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बचाव और राहत उपायों को लेकर PM मोदी को विस्तार से बताया। PM मोदी ने लोगों की सुरक्षा और प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आग बुझाने में सेना और वायुसेना भी राज्य के एजेंसियों की मदद कर रही हैं, तो NDRF की एक टीम भी मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट कर बताया, फोन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बागजन आग दुर्घटना का ब्यौरा दिया गया है। उनको राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से उठाए गए आपातकालीन कदमों के बारे में भी बताया गया। उन्होंने स्थिति को हल करने और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। PM मोदी ने प्रभावितों की मदद के लिए दिया हर संभव मदद का भरोसा। साथ ही इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे गुवाहाटी से संवाददाता कमल बोरा। कमल, क्या ताजा जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जबकि हम जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरी जो घटनाक्रम है उससे अवगत कराया है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो घटना हुआ है 27 मई से ये जो वेल है, जो एक खाद है, वहां से गैसेस और लिक्विड गैसेस और ये कुछ तरल पदार्थ निकल रहे थे लीकेज के वजह से, और तभी से वहां के जो आसपास के लोग चौकन्ने थे, और क्योंकि एक मतलब फायर ब्रोकआउट हो सकता है ऐसा एक उम्मीदें लगाया जा रहा था, तो इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने के लिए बोला गया था। लेकिन कल जो ये एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद ही लगातार जो ये अग्निकांड वहां पे
पे दिखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही ये जो अग्निकांड के वजह से आसपास के कई इलाका आग में आ गए थे, तो इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश वहां पे किया जा रहा था। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग वहां पे मौजूद थे, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अपने लोग मौजूद थे और एक्सपर्ट लोग भी ये आग को कैसे बुझाया जा सकता है, ये घटना को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके लिए एक्सपर्ट बुलाए गए थे सिंगापुर से। लेकिन ये दुर्घटनावश दो लोगों की अभी तक मौत हुआ है, इससे ज्यादा लोगों की मौत की कोई खबर अभी तक आया नहीं है। ऑयल इंडिया अथॉरिटी के जो भी रिपोर्ट है, उन्होंने जो हेड काउंट करते हैं हर दिन कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, वो हेड काउंट में दो लोग मिसिंग बताए जा रहे थे, लेकिन जो जो दो लोग आज उन लोगों के मौत हुआ है ये रिपोर्ट आज कंफर्म किया है। लेकिन ये जो स्प्रेड के वजह से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पे आम लोगों की मौत का कोई खबर नहीं आ रहा है क्योंकि सभी लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, तो इससे सभी जानों को बचाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, क्योंकि वहाँ पे जो डिब्रू सैखोवा नेशनल वहाँ पे फॉरेस्ट नेशनल पार्क है और पास में ही एक लेक है, मागुरी लेक बोल के लेक है, जहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड्स जो आते हैं, तो डाइवर्स काफी इकोलॉजिकल वहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो इकोलॉजी लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे इंपैक्ट जरूर पड़ा है। लेकिन फायर का जो स्प्रेड है, इसका जो स्प्रेडिंग को कंट्रोल अभी तक किया गया है ऑयल अथॉरिटी के द्वारा, ये हम लोग को बताया गया है। ये एक आज के डेट पे यही एक राहत की बात है कि और आग की जो स्प्रेडिंग है, इस स्प्रेडिंग को रोका गया है। लेकिन अभी भी एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो आग है, इस बुझाने के लिए अभी भी लगभग 4 हफ्ता लगेगा, तब तक लोगों को सावधान रहना होगा और ये पूरी कोशिश जारी है कि ये घटना को पूरी तरीके से नियंत्रण में लाया जाए। और इसके लिए जो भी सरकार की तरफ से मदद चाहिए होगा ये दिया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट ने सरबंध में सोनवाल ने बताया है। और आज प्रधानमंत्री जी से जो बातचीत हुआ है, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी सहायता चाहिए सभी प्रकार की सहायता यह मुहैया कराया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, आपसे आगे भी इस मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। देश भर में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पूरा होने पर बीजेपी वर्चुअल रैलियां कर रही है, राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में जनसंवाद को संबोधित किया, जबकि दोपहर बाद 4 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी मध्य प्रदेश जनसंवाद को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार की लॉकडाउन की रणनीति पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। मैं राहुल गांधी से एक सवाल पूछता हूं, हमसे पूछने के पहले अपने मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं पूछते जो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो हिमाचल के पड़ोस में है लॉकडाउन सबसे पहले किया, वहां तो उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया, आज भी 30 जून तक लगाए हुए हैं। राजस्थान ने लगा रखा है, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी सहयोगी है, तो नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर और देश से सवाल पूछने के पहले राहुल गांधी जी कृपया करके अपने अंदर झांकिए कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनते। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सीबीएसई के पाठ्यक्रम को कम करने की मांग को देखते हुए सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों और शैक्षणिक संस्थानों से अपील है कि वो इस दिशा में अपने सुझाव #syllabusforstudents2020 के सीधे मेरे ट्विटर अकाउंट पर उसे भेज सकते हैं। पूरे देश भर से मैं देख रहा हूं काफी समय से कि अभिभावकों का और भिन्न भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का, यहाँ तक कि छात्रों का, शिक्षाविदों का लगातार संदेश आता रहता है मुझे, कोई ट्विटर पर, कोई फेसबुक पर, कोई मेल करते हैं कि जो वर्तमान सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसको कम होना चाहिए। हम लोगों ने तय किया है कि आप सुझाव भेजें सभी शिक्षाविदों से, मैं अनुरोध कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने ठोस सुझाव आप दें ताकि उस पर हम मंत्रालय, मेरा मंत्रालय गहन विचार विमर्श कर सके। और खबर दक्षिणी कश्मीर से, जहां के शोपियां जिले के सुगु हिंदामा इलाके में सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है।
इससे पहले आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। संदिग्ध इलाके में सुरक्षा बलों को देखकर छुपे आतंकवादियों ने गोली चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। पिछले एक सप्ताह में शोपियां जिले में ये तीसरी मुठभेड़ है। पिछली दो मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था। और अब बात वंदे भारत मिशन की, जिसके तीसरे चरण में यूरोप से भारत के लिए एयर इंडिया की उड़ानों की जो टिकटों की बिक्री है वो आज से शुरू होगी। टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक की जा सकती हैं। एयर इंडिया ने आवेदकों से स्थानीय भारतीय दूतावास या उच्चायोग में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करने के लिए कहा। वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरने के लिए ये आवश्यक है। पिछले हफ्ते अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के लिए उड़ानों की बुकिंग शुरू होने के 15 घंटों के अंदर 22,000 से अधिक टिकट बिक गई थी। अब तक 70,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। तीसरे चरण में एयर इंडिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए लगभग 300 उड़ानें संचालित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अनलॉक वन में हमें और भी अनुशासित होना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौर में पहले से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फेस कवर, साफ सफाई का ख्याल रखना और सांस लेने का जो सही व्यवहार है उसका कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड 19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 16वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी दफ्तरों के खुलने पर उनके प्रमुखों से कोविड 19 के खिलाफ सोशल वैक्सीन का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अभी संतोष में रहने का समय नहीं है। मंत्री समूह को कोविड से लड़ने के लिए तैयार किए गए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री समूह को देश में कोविड 19 की ताजा स्थिति, प्रतिक्रिया और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई है। एक प्रस्तुति के माध्यम से मंत्री समूह को भारत के अन्य देशों के मुकाबले लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान पैदा हुई जो स्थिति है उस पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उपनगरीय निकाय शहरों में एक केंद्रीय टीम भेजेगा जहां कोविड 19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। टीम 3 सदस्यों वाली होगी। इसमें 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 1 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इस तरह की 50 टीम तैयार की जाएंगी। 15 राज्यों के इन 50 शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी 7 शहर जिले कोरोना संक्रमण के लिहाज से बड़ी चुनौती बन गए। यहां भी केंद्र सरकार की विशेषज्ञ टीम जाएंगी। ये टीमें राज्य सरकारों की सहायता के लिए जो उन्हें कोरोना से लड़ने में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगी। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम महाराष्ट्र के 7 जिले और नगर पालिका का दौरा करेगी, जबकि तेलंगाना के 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5, असम के 6, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4-4 जिलों के 7, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात के 3 जिलों का दौरा करेगी। ये केंद्रीय टीमें मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 जिलों का दौरा कर सभी प्रभावित राज्यों का रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। निजी क्षेत्र को जल्द ही इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। प्राइवेट खिलाड़ियों को उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के क्षेत्र में समान मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की घोषणा की थी। वहीं भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रूस में 4 अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण चल रहा था जो कोरोना की वजह से बाधित हो गया। उन्होंने इस परियोजना के दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद जताई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष तकनीक के बारे में समझ विकसित करने के लिए इसरो ने युविका नाम से एक विशेष युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी इसरो के वैज्ञानिक कम लागत वाले आवश्यक चिकित्सा उपकरण की खोज में लगे हुए हैं।
आईआईटी कानपुर में स्थापित क्यूप्रो हेल्थ टेक ने कोविड 19 महामारी से निपटने के क्रम में अपना पहला इंटेलिजेंट डिस इन्फेक्टेंट चेंबर उसे विकसित किया है। सनी वॉक इंटेलिजेंट डिस इन्फेक्टेंट चेंबर 3 चरणों में काम करता है। आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटर के सीईओ डॉक्टर निखिल अग्रवाल के अनुसार सनी वॉक एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करता है, जो उसके माध्यम से गुजरने वाले हर व्यक्ति के तापमान को रिकॉर्ड करता है। यदि तापमान सामान्य सीमा से अधिक है तो सनी वॉक का दरवाजा नहीं खुलेगा और अलार्म बज जाएगा। हम लोगों ने कम्प्लीटली ऑटोमेटिक नो ह्यूमन टच एक चेंबर विकसित किया है। ये चेंबर 4 स्टेजेस में काम करता है। ये किसी भी ऑफिस पे, मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है कि पहले स्टेज में जो आदमी है वो चेंबर गेट पे जाता है, उसका वहाँ टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर लिया जाता है। अगर टेम्परेचर उसका नॉर्मल है तो एक गेट ओपन होता है, उस गेट के अंदर वो द पर्सन कैन एंटर द चैम्बर। वहाँ पर एक फॉगिंग जो ग्रीन सिंथेसाइज बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक है फॉग, वो यूज़ किया गया है, उससे फॉगिंग होगी। और फॉगिंग का हमने इसलिए यूज़ किया है कि स्प्रे कई बार बॉडी के अंदर नहीं जाता वो की, और बहुत ज़्यादा गंदगी फैला सकता है। फॉग के जरिए इवन कपड़ों के अंदर और स्किन के ऊपर कम्प्लीटली फॉग रह जाता है और आपको 10 सेकेंड के अंदर आपको डिसइनफेक्ट कर देता है। गौवध को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गौवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर सजा को और सख्त बनाने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। गौवध निवारण अधिनियम को और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाने का निर्णय जन भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने लिया। प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। हाँ, हम बीजेपी और कांग्रेस से भागते नहीं है सोनिया जी, चुनाव आने दीजिए, हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ईमानदारी से करेंगे और 2 लोकसभा चुनाव में आपको ईमानदारी से और प्रभावी रूप से हराया है और आगे फिर हराएंगे। तो वी डोंट रन अवे फ्रॉम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेट द इलेक्शन कम, बट द प्रेजेंट मोमेंट इज नॉट द टाइम फॉर दैट। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और कोई सवाल इस पर? चीन के बारे में देखिए, मैं राहुल गांधी के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी देश की अर्थनीति को कितना समझते हैं और देश की सामरिक नीति को कितना समझते हैं, इस पर कभी बहस होनी चाहिए। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। What is the extent of Rahul Gandhi's understanding of India's strategic interest and what is his understanding of India's economic challenges is a larger issue on which we can have a debate, particularly how the Congress government has dealt with these issues. Rahul Gandhi ko itni to samajhdari honi chahiye ki Chin ke saath samarik sambandhon par ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश हर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उरी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा समझें।
वरना चीन की कहानी आएगी। और कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीजों को संभालने की कोशिश थी की थी तो बहुत चीजें निकलेंगी। कम से कम अभी देश में एकता रहे बहुत जरूरी है। थैंक यू, आई ऑलरेडी रिप्लाइड टू यू, थैंक यू। यस, अब क्या है? सर ये चीन पाकिस्तान इंडिया होली जो हाँ सर सर ऑन द इशू ऑफ अरविंद केजरीवाल द वे थिंग्स हैव गॉन बिटवीन द एलजी एंड द दिल्ली सीएम इज आल्सो अ मैटर आई थिंक देयर आर कॉम्पिटेंट स्पोक्सपर्सन इन दिल्ली बीजेपी टू कमेंट अबाउट दिस। सर आपकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है जो भी लॉकडाउन हुआ उसके बाद बावजूद इसके कोरोना के पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई तो वुहान से भी आगे बढ़ गया, दिल्ली भी वुहान से ज्यादा बढ़ने के करीब है। ये आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए लेकिन लोगों को सहूलियत कैसे मिले, लोगों को भरोसा कैसे? बिल्कुल, सियासत दिल्ली में भी नहीं होनी चाहिए, मुंबई में भी नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार का पूरा सहयोगात्मक रवैया रहेगा। आपने देखा होगा एम्स के डायरेक्टर को हम लोगों ने गुजरात भेजा कि नहीं भेजा अहमदाबाद सहयोग करने के लिए? मैंने सुना है भारत सरकार हमेशा प्रयत्नशील है, अभी भी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? यही तो है मिलकर काम करने का तरीका। देखिए कोरोना एक ऐसा अभिशाप है जिसके अभी तक कोई दवा नहीं निकली है, तो ये इसका एक पक्ष है। लेकिन जो मैंने अपने कई टीवी इंटरव्यू में कहा है इसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अगर चीन की आबादी को हम निकाल दें, क्योंकि चीन के बारे में कई बार पूरे तथ्य सामने नहीं आते हैं, तो देश में दुनिया में जो 15 देश हैं जहाँ कोरोना है, बड़े देश अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्राज़ील, इन 15 देशों की आबादी चीन को छोड़कर 142 करोड़ है। और वहां कल शाम तक कितने लोग मरे हैं? 4,04,000 लोग। 142 करोड़ 15 दुनिया के देशों में 4,04,000 लोग मरे हैं। भारत की आबादी 137 करोड़, भारत में कल शाम तक कितने लोग मरे हैं? 7,600 लोग। तो द डेथ इज 4 lakh+ इन ए पॉपुलेशन ऑफ 142 कंट्रीज एक्सक्लूडिंग चाइना वेयर कोरोना इज सीरियसली इम्पैक्टेड एंड इंडियाज पॉपुलेशन इज 137 करोड़ एंड द डेथ इज 7,600 करोड़ और टिल स्टडी इवनिंग। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। यू हैव टू कंटिन्यू टू फॉलो ऑल द कॉशंस, सारी सावधानी रखनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा, तो हम इस महान विपदा पर पार पाएंगे और ये कोशिश सामूहिक होनी चाहिए। सर, थैंक यू। लगता है सर कि कुछ राज्य सरकारें कोरोना को लेकर उतनी गंभीर नहीं है, सियासत ज्यादा हो रही है और लोग परेशान है, चाहे महाराष्ट्र। देखिए अभी मैं किसी सरकार का नाम लेके आलोचना नहीं करूंगा, एक ही आग्रह करूंगा कि कृपया कर करके अपने व्यक्तिगत राजनीति छोड़कर मिलकर काम करें, कोरोना को हराया जाए। उस हराने में देश सक्षम है, तभी कम दरों की मौतें हुई हैं, मिलकर काम करने की जरूरत है। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को, जो साफ तौर पर बोल रहे थे कि व्यक्तिगत राजनीति को छोड़कर कोविड-19 से निपटने के लिए सभी को काम करना चाहिए और लगातार जो केंद्र सरकार है वो इस संक्रमण से निपटने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। कोविड के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1,33,632 हो गए। 1,35,205 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण 7,745 लोगों की मौत हुई है। और CGHS लाभार्थियों को भी अब कोविड अस्पतालों में मिल पाएगी इलाज की सुविधा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS के तहत रजिस्टर्ड सभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को ये आदेश जारी किया है और कहा राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पताल के रूप में अधिसूचित सभी CGHS इम्पैनल्ड अस्पताल CGHS नियमों के तहत अपने सभी जो CGHS लाभार्थी हैं उन्हें कोविड संबंधी सभी इलाज दें। इस तरह इन CGHS इम्पैनल्ड अस्पतालों में जो
कोविड के लिए अधिसूचित नहीं है उन्हें निर्देश दिया गया कि वो सीजीएचएस लाभार्थियों को इलाज या भर्ती से मना नहीं करेंगे और सीजीएचएस नियमों के तहत ही अन्य इलाज का शुल्क लेंगे। किसी भी तरह से आदेश के उल्लंघन अगर किया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मंत्रालय ने यह भी आदेश दिया कि सीजीएचएस लाभार्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा सीजीएचएस इम्पैनल्ड निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में इलाज सुविधाओं में मुश्किल की शिकायत के बाद इस आदेश को जारी किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सबसे ज्यादा दैनिक वृद्धि होने से विश्व स्तर पर हालात बिगड़ रहे हैं, जिसमें मध्य अमेरिका में स्थिति अपने चरम पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि रविवार को दुनिया भर में 1,36,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जिसमें 75% मामले अमेरिका और दक्षिण एशिया से हैं। विश्व में ब्राजील इस महामारी के केंद्र में है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और पेरिस के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक एफिल टावर फ्रांस के कोरोना वायरस लॉकडाउन में बंद होने के 3 महीने बाद 25 जून को सार्वजनिक रूप से फिर से खुल जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार सबसे ज्यादा दिनों तक इसे बंद रखा गया। यहां आने वाले 11 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 15 मई के बाद से ही सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी थी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।